अगले साल चुनाव से पहले मोदी सरकार बड़ा कदम उठाती दिख रही है। एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार मसला गर्म होता दिख रहा है। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आज इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलवाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। बता दें कि एक देश एक चुनाव का मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ ही करा लिए जाएं। देश के आजाद होने के कुछ समय बाद तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे, लेकिन इस प्रथा को बाद में खत्म करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अलग अलग से कराया जाने लगा। बीते दिन ही केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इस स्पेशल सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर बिल ला सकती है और चर्चा कराने के बाद यह पास कर सकती है। जैसे ही अटकलें चली तभी देश में नई बहस शुरू हो गई। विपक्ष के कई नेताओं द्वारा इस तरह के किसी भी बिल लाने को गैर संवैधानिक बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर एक देश एक चुनाव के पक्ष में जोर शोर से आवाज उठा चुके हैं। अब देश में इसको लेकर माहौल बनाया जा रहा है। कुछ वक्त पहले ही लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव पर आम लोगों की राय भी मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस बात का जिक्र किया था कि किसी को भी एक सिरे से एक देश एक चुनाव के मसले को नहीं नकारना चाहिए और इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने देश का वक्त खर्च और विकास की गति को तेज करने के लिए एक देश एक चुनाव को वक्त की जरूरत बताया था और कहा कि हमें इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव को लेकर बनाए जा रहे माहौल पर विपक्ष आग बबूला है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अभी देश को इसकी जरूरत नहीं है। मोदी सरकार की मंशा इस मामले में ठीक नहीं है। सरकार को पहले महंगाई से निदान पाने और बेरोजगारी को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि इस देश में एक देश और एक चुनाव को लागू कर दिया जाए? हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।